झुग्गियां झोंपड़ियां च रहने वाले विरले व्यक्तियों को ही पढ़ लिख के समाज नाम खट्टण का मान प्राप्त होता है। बहुतिया बदनसीबा तो घर में पढ़ाई का माहौल भी नहीं मिलता। आर्थिक मजबूरिया का दैंत उन्होंने सुपनों में झंझोड़ के रख दिता है। तो कोई अति कथनी नहीं होगी और लड़कियों उच्च पढ़ाई लिखाई कराने लैके अजिहे कबीलों बहुत्या का नज़रिया अजे भी काफ़ी तंग है। धूरी विखे जोगियों की बस्ती पिता श्री संत नाथ के घर माता प्रकाशो देवी की कुखों जन्मी रवीना ने दसिया कि वह धूरी की जमपल है और अठ भैन भरावों चो सब तो छोटी है। उसके भैन भरावों में अजे भी बहुते धूरी और पंजाब रेंदे हैं। वह जदों दो महीनों की सीता रोजी रोटी की तलाश में अपने माता पिता नाल नेपाल चले गई सी। उत्थे मुढ़ली पढ़ाई दौरान ही 10 साल की उम्र में वह एक NGO में अंग्रेजी ट्रांसलेटर वजो सेवा देन लग पई। रवीना ने दसिया कि अपने सारे भैन भरावों 500 के करीब आबादी वाले पिंड उसनू कल्ली नू ही पढ़न का सुभाग प्राप्त होया है। दुनिया भर में अमरीका की मशहूर हार्वर्ड यूनीवर्सिटी वालों उसनू मास्टर की पढ़ाई करने की पेशकश मिली हुई है। गर्मियों दिया पिछले 2 साल दी छुट्टियां दौरान उसने विश्व भर में वड्डी ब्रोकरेज कंपनी UBS लई काम किया है। अजकल वह स्वीट ब्रायर कॉलेज वर्जीनिया USA विखे बिजनेस और साइकोलॉजी के खेत्र में पढ़ाई करके अगे बढ़ रही है। उसनू साल 2020 लीडरशिप रिकोगनाइजेशन सर्टिफिकेट मिलने के नाल पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करके उसका नाम अकैडमिक डीनज की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। रवीना अनुसार वह पिछले 3 साल तो इंटरनेशनल कल्चर क्लब की प्रधान बनती आ रही है और हर साल होने वाली प्रधानगी की चोन भी वह लगातार जीतती आ रही है। रवीना अपने कॉलेज में बोर्ड मैंबर ऑफ डायवर्सिटी की मैंबर वजों भी काम करने का माण हासिल है। रवीना का परिवार सारे समाज में सेध दे रहा है क्योंकि वह रोज़ का कमा के खाने वाले परिवार की कुड़ी है। अज अमरीका की टॉप की यूनीवर्सिटी में अपना नाम चमका रही है और होर लड़कियों भी हौसला दे रही है। रवीना की इस काबिलियत सदका अक्सर ही उन्होंने घर वक् वक् शख्सियतों वालों आके उन्होंने परिवार का सम्मान किया जाता है। रवीना की माता श्रीमती प्रकाशो देवी और पिता श्री संत नाथ ने धूरी विखे विशेष गलबात करदियां अपनी धी रवीना की माणमती प्राप्ति बारे दसदियां कहा कि साडे पूरे कुनवे विचों रवीना ने ही पढ़ाई विच इन्ना वड्डा मुकाम हासिल करके साडे कुनवे का नाम चमकाया है और रवीना की प्रेरणा सदका ही साडे कबीले दियां लड़कियां विच पढ़न की इच्छा पैदा हुई है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋਗੀ ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਧੂਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਮਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏ ਬਰਤਾਨੀਆ ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਿਆਉਣਾ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਗਈ ਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਗਈ। ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਟਾਈਮ TV।